सो आवर ट्रैकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। हमारी ट्रैकिंग यहाँ से शुरू होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ हरा भरा कबाब। हर तब हर बार खाना ही क्यों सोचता यार, हरा भरी हरी भरी घास, पेड़ के पत्ते हरे भरे। अभी भी बारिश हुई है तो पेड़ के पत्ते सारे गीले हैं, ये नीचे की घास भी गीली है। मेरे बगल से एक स्ट्रीम बह रही है जिसकी आवाज़ मुझे आ रही है, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। और आप भी चलिए मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए इस ट्रैक को, चलिए चलते हैं। और ये हमारा सेकेंड मेंबर पवन, पवन चोपड़ा। ये देखिए पीछे छाता टांगे हुए चले जा रहे हैं महाशय, अपने ही धुन में है। तो वी हैव प्लान टू ट्रैक अप टू दैट हिल, लेट मी शो यू। अगर आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, उस टॉप पे मुझे जाना है। एक्चुअली वो बहुत दूर है यहाँ से, फिलहाल हम अभी यहाँ पर हैं। सी द वे, हियर द साउंड, साउंड ऑफ नेचर। तो हम अपने ट्रैकिंग का एक पड़ाव पार कर चुके हैं, फिलहाल हम बैठे हैं टाइगर रॉक पे। एक छोटा सा रॉक है यहाँ पर जहाँ से सामने शहर का व्यू दिखता है, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ की कुछ फ़ोटो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ट्रेवलॉन्ग नाम है मेरा, TRAVELONK। तो आज के ब्लॉग में एक और अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और वो है एक ट्राइबल का घर। कितना ऑर्गेनिक, कितना नेचुरल इनका घर होता है, और कितनी साइंटिफिकली ये बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। चलिए थोड़ी दौड़ भी लगा लेते हैं। एक बार और दौड़ रहा हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है जिसे मैं दौड़ के पूरा कर रहा हूँ। और ये अमन दौड़ के पहुंचना चाहता है। ओ भाई अब ये नजारा देखो, ये स्वर्ग से कुछ कम नहीं है। चलिए अपनी आंखें घुमाओ मेरे कैमरे के साथ साथ, अपनी नज़रें भी घुमाते रहो, और सामने दिख रहा है कि बारिश होने वाली है। लेट्स होप बारिश हो जाए। बैठे रहो, मैं आगे निकल लेता हूँ। अच्छा ओके, अभी करूंगा, मेरे भी कर लो सर। नहीं नहीं नहीं, और अमन की नौटंकी यहाँ पे चालू हो गई है। ये नहीं, हाँ नहीं खाते तुम, नहीं सुधरोगे दोस्त। ये तो पूरा निकल गया, फिर आगे तक पैदल जाते अपने को इधर से राइट मारने की, तो वडोली वाटरफॉल है क्या? आ सकता है, हाँ वडोली वाटरफॉल बराबर। ये वो घर है जिसका मैं आपको टूर कराने वाला हूँ, लेकिन पहले हम पीछे जाके आते हैं, पीछे की खाई देख कर आते हैं, और उसके बाद मैं आपको ये घर का टूर कराता हूँ, ठीक है? चलिए। तो
तो आइए अब आपको मैं टूर कराता हूँ इस ट्राइबल फैमिली के घर का। प्योरली ऑर्गेनिक घर है, मिट्टी का, लकड़ी का और टाइल्स का बना हुआ। टाइल्स मतलब मिट्टी के टाइल्स का बना हुआ। आइए चलते हैं, आंटी से बात करते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं। हाँ सावली दियो का दीते। सो ये काकी का घर है और हम यहाँ पर शेड में रुक रहे हैं बारिश की वजह से। तो आंटी जी ने हमें परमिशन दे दिया है उनके घर के टूर का और वो अभी हम लेके जा रही हैं हमें अपने किचन में। तो आंटी जी का ये किचन है और ये नीचे देखिए इन्होंने चावल बना रखा है और वहाँ पर वो सब्जी है। सब्जी किसकी है? सब्जी आंटी कह रही है कि ये किसी जंगली वेजिटेबल है उसका है और ये राइस है और ये चावल यहाँ उन्होंने बना रखा है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये जो है ये चीज़ें स्टोर करने के लिए इन्होंने ये इस तरह से लटका रखा है और इसके ऊपर ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये ऊपर रोशनदान है। ये जो रोशनी ऊपर से आ रही है बहुत ही टेक्निकली लगाया गया है। ये देखिए मतलब ये सारा कपड़े हैं, मतलब टाइल्स हैं, मिट्टी के टाइल्स और बीच में कांच लगाया गया जिसकी वजह से रोशनी घर में आती है। तो बहुत ही सुंदर घर। पहली बात तो प्रकृति के बीच में आपका घर हो, बगल से नदी बहती हो, पहाड़ हो, तो घर कैसा भी हो चल जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी एक रोशनदान लगाया गया है। घर में रोशनी है, लाइट नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है लेकिन फिर भी घर में रोशनी है। तो ये रहा आंटी का घर किचन के। ये जो विंडो है ना, इसके ऊपर देखिए जाली लगाई गई है। ये जाली इसलिए लगाई गई है कि इसमें सांप या ऐसे कोई जानवर जो छोटे मोटे जानवर होते हैं इंसेक्ट्स ना आ पाए। ये इनके दो बेड्स हैं आंटी के। सी द फेस, सी द स्माइल ऑन हर फेस, सो क्यूट शी इज़। चलिए अपने घर तो देख लिया, बाहर से भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये इनका छपरा देखिए, क्योंकि ये जो है ना कोकन में आता है तो इनका जो घर है। अच्छा ये इनका एक स्टोर रूम है, यहाँ पर इन्होंने लकड़ियाँ वगैरह स्टोर कर रखा है। मैं अभी आपको इनका छपरा दिखाता हूँ। ये छपरा देखिए काफ़ी स्लोपिंग है, स्टीप स्लोप में बनाया गया है ताकि बारिश गिरे, हैवी रेनफॉल का एरिया तो बारिश गिरे तो सीधे नीचे आ जाए, वहाँ पे रुके ना। और ये हरा भरा इनका, यहाँ पर कई फलों के पेड़ हैं, जामुन के, काजू के पेड़ भी हैं। वाह, थोड़ा आगे लेना। नीचे लो। नीचे लो। We have to go from this. Reverse, नहीं, U-turn from here. Back to home. So this is their house. देखिए इनकी फेंसिंग कितनी नेचुरल है। ये नेचुरल फेंसिंग, यहाँ पर बड़े जानवर तो नहीं घुस पाएंगे और सांप वांप के लिए उन्होंने खिड़कियों में जाली लगा रखी है। Everything is so organic. हल्की हल्की बारिश। वो अगर वहाँ पे टॉप पे जाएंगे
चलो।